नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूँ पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी बत्रा। मिडकैप बाजार में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हमारे साथ मौजूद होंगे मार्केट एक्सपर्ट रुचित जैन, जानेंगे उनसे मार्केट्स पर स्ट्रेटजी, साथ ही आपके स्टॉक्स और आपके पोर्टफोलियो पर होंगी राय। और फिलहाल के लिए देख लेते हैं मार्केट्स का ताजा हाल। आज सुबह से ही देखा जाए तो मार्केट्स में काफी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी की तरफ अभी भी ध्यान देंगे तो 10,350 के लेवल्स को कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश है, और सेंसेक्स में भी 33,250 के ऊपर ही इस वक्त कारोबार हो रहा है। फ्लैट टू नेगेटिव टोन अभी देखने को मिल रही है, पर ब्रॉडली कंसोलिडेशन ज्यादातर देखने को मिल रही है। 0.25% से 0.5% तक का अप मूव मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से भी देखने को मिल रहा है। अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो आज रियल्टी स्पेस से निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है, साथ ही कुछ प्राइवेट बैंक्स लेड बाय एक्सिस बैंक ने यहां पर सपोर्ट किया है। कुछ छोटे मझोले आईटी और फार्मा शेयर्स में भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ये मिड कैप में चढ़ने वाले शेयर्स हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन, आज सुबह वासमानी की भी कॉल थी और यहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। जीएमआर इंफ्रा, बीएल और टाटा कम्युनिकेशंस आप देखेंगे 5-8% तक का अप मूव इन सभी शेयर्स पे देखने को मिल रहा है। प्रेशर जहां से आ रहा है, आज कुछ पीएसयू बैंक स्पेस में से आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक आप देखिए, इंडियन बैंक दोनों में ही 2-4% तक की वीकनेस है। मेटल स्पेस आज वीक कर ट्रेड कर रहा है, आप देखिए सेल यहां पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है। 3% तक की वीकनेस यहां से देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ और सेक्टोरल मूव्स पूजा जी, और ऑटो एंसिलरी स्पेस की बात करें तो एक यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली है। ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आने वाले हैं, उसके पहले ऑटो एंसिलरी शेयर्स जो है वहां पर काफी अच्छी मजबूती है। प्रिकॉल का शेयर देखिए 16% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आमरा राजा में 2.5% की मजबूती है। भारत गियर, शांति गियर्स, ये सभी शेयर्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनबीएफसी शेयरों में भी आज मजबूती है। अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो वहां पर तो मुनाफा वसूली आज हावी, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं काफी अच्छी मजबूती सरकारी बैंकों में देखने को मिली, लेकिन आज मुनाफा वसूली हावी है। लेकिन कुछ एनबीएफसी स्पेस की अगर बात करें, श्रीराम सिटी, यूनियन फाइनेंस 4% की तेजी, एडलवाइज और बजाज फिनसर्व में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए तो रुचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है रुचित आपका मिडकैप बाजार के इस एडिशन में। सबसे पहले निफ्टी पर ही आपकी चाल जान लेते हैं, जिस तरीके का कंसोलिडेशन अभी देखने को मिल रहा है, आगे किस तरीके की ट्रैजेक्टरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लेवल्स आपने ध्यान में रखे हुए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे तो मार्केट में ऑल्दो निफ्टी में पिछले चार दिनों से एक बहुत ही छोटे रेंज के कैंडल्स बन रहे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडेक्स फ्रंट पे एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, पर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो स्टॉक्स में से भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है और अभी भी मार्केट ब्रेथ का काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये देख के लग रहा है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। अभी आगे चल के देखें तो निफ्टी के टारगेट प्रोजेक्शंस, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो यूजुअली प्रीवियस करेक्शंस के रिट्रेसमेंट लेके टारगेट्स प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रीवियसली जब निफ्टी करेक्ट हुआ था 10,180 से लेकर 9,700, उसका 161.8% रिट्रेसमेंट टारगेट्स आ रहे हैं 10,480 तक। तो हमें लग रहा है कि नियर टर्म में ही मार्केट ये टारगेट्स अचीव करेगा, तो करंट लेवल्स या कोई भी थोड़ा सा भी डिक्लाइन जाता है तो निफ्टी में खरीदारी करने को ही सलाह रहेगी। 10,270 के नीचे का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है अभी, तो वहाँ पे उसके नीचे एक स्टॉप लॉस बेस रख सकते हैं 10,480 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये निफ्टी पर राय रुचित की तरफ से, और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो तरीका आपको बता देते हैं, आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसके जरिए हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, जयपुर से जुड़े हैं हमारे साथ नरेश बंसल जी। नरेश नमस्कार, पूछिए। मैडम मेरे पास 2000 शेयर है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के, 30 रुपए के भाव से खरीदे थे, और सिंटेक्स प्लास्टिक के 101 रुपए के भाव से खरीदे थे। सिंटेक्स प्लास्टिक आपने किस लेवल पर लिया है? 101 के लेवल पर लिया है। ओके, और दोनों को आप समय दे सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं? हाँ यस। ओके रुचित, क्या सजेस्ट करेंगे? सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का नतीजे भी आए हैं और नतीजों के बाद हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है, इस वक्त अपने डेज लो के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनको नुकसान भी हो रहा है, सिंटेक्स प्लास्टिक के शेयर्स भी हैं इनके पास, 101 के लेवल पर इन्होंने लिया है। इन दोनों ही शेयरों पर क्या राय देंगे आप? सिंटेक्स इंडस्ट्री में देखें तो अगस्त महीने से ये स्टॉक में इतना कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आ रहा है। हालांकि ये डीमर्जर के बाद में एक बार एक अच्छा मूव आया था, 37-38 के आसपास तक गया था, बट उसके बाद कम्प्लीटली वॉल्यूम्स भी एकदम ड्राई अप हो चुके हैं। तो नियर टर्म में ऐसा कोई फिलहाल वॉल्यूम्स को देखकर ट्रिगर नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक में कोई आउट परफॉर्मेंस रहेगा। आई थिंक मिड कैप क्षेत्र में काफ़ी अच्छे दूसरे शेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो मार्केट के तेजी के साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज में करंट रेट पर ही मैं इनको एग्जिट करने की सलाह दूंगा।
सिंटेक्स प्लास्टिक का हालांकि ज़्यादा डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो भी लेकिन लिस्टिंग के बाद हिस्ट्री है उसमें रीसेंट सपोर्ट है 91 का, तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि 91 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर भी स्ट्रेटजीज आपको बताई गई हैं। मुंबई चलते हैं, योगेश ने हमें कॉल किया है। योगेश नमस्कार, पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास एक्चुअली पेट्रोनेट और डिविडेंड के शेयर है। पेट्रोनेट मैंने 268 में खरीदे है तो शेयर, और डिविडेंड 125.16 में 300 शेयर खरीदे। डिविडेंड और पेट्रोनेट दोनों में आपकी पोजीशन है, क्या आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है? नहीं मैम, मैंने एक्चुअली इंट्राडे के लिए लिया था। इंट्राडे के लिए लिया है। 125.5 स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया होगा योगेश, इसीलिए आपको यहाँ पर लॉसेस भी देखने को मिल रहे हैं। रुचित, अभी वे आउट क्या होगा योगेश के लिए? टीबीजेड में तो अभी नुकसान हो रहा है, इंट्राडे के लिए 125.5 पर उन्होंने पोजीशन बनाई और साथ ही पेट्रोनेट के भी शेयर्स लिए 268 के लेवल्स पर, दोनों ही पर आपकी क्या राय होगी? दोनों ही शेयर्स में देखे तो आज काफी कम वॉल्यूम्स है, इसके लिए कोई खास मोमेंटम आएगा इसकी उम्मीद काफी कम है। टीबीजेड्स के इनफैक्ट पोजिशनल चार्ट्स पे भी मुझे लग रहा है कि एक बार लॉन्ग पोजिशन है तो एग्जिट कर लेनी चाहिए। इवन इंट्राडे में ऐसा कोई यहाँ पे फिलहाल कोई इंडिकेशंस नहीं है कि स्टॉक में कोई सिग्निफिकेंट अपमूव रहेगा। जहाँ तक पेट्रोनेट का सवाल है, पेट्रोनेट में भी इंट्राडे बेसिस ऊपर इसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन पोजिशनली ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यू है और अगर ये इनका व्यू चेंज करके आने वाले एक महीने तक होल्ड करे तो 280 तक के स्तर इनको मिल सकता है। तो टीबीजेड से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, पेट्रोनेट होल्ड कर सकते हैं बट इंट्राडे के लिए नहीं, थोड़ा पोजिशनल के लिए। तो ये राय टीबीजेड में। अगले दर्शक जमशेदपुर से जुड़े हैं अमित। अमित गुड आफ्टरनून, पूछिए। एक्चुअली हम आज खरीदे हैं बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है 192.5 रुपीज पे। ये आपने हाल ही में लिया है क्या अमित? हाँ आज ही लिया है, 192.5 रुपीज पे 100 शेयर लिए हैं। तो हम होल्ड कर सकते हैं एक दो दिन, मतलब एक हफ्ते तक होल्ड कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि जाएगा ऊपर की सेल करना दिख रहेगा। ओके, काफी हाई लेवल्स पर ले लिया है आपने, इस तेजी में ले लिया है। रुचित क्या सजेस्ट करेंगे? बैंक ऑफ इंडिया एकाएक एक सर्ज देखने को मिला है, रिकैपिटलाइजेशन की जब खबर आई थी तमाम सरकारी बैंकों में एक तेजी आई थी और इस बैंक में भी एकाएक एक सर्ज देखने को मिला। इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे और रैली यहाँ से देखने को मिलेगी या कुछ स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे? शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। ये देखिए पीएसयू बैंक्स में एक तो सबसे पहली बात, तो अगर ये हम रिकैपिटलाइजेशन की न्यूज़ के पहले की बात करें तो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था ये। सेकेंडली एक ही दिन में इतना बड़ा मूव आ गया इन स्टॉक्स में कि वहाँ से फ्रेश एंट्री लेना और इनका शॉर्ट टर्म नो शॉर्ट टर्म इनको प्रोजेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। फिलहाल पिछले 3-4 दिन में जो एक्टिविटी हुई है उसमें स्टॉक ने 179 का सपोर्ट बेस बनाया है, तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि 179 का एक स्टॉप लॉस रखें, लेकिन साथ ही में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है तो ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करें और अगर अपमूव में 200-205 तक के स्तर दिखे तो वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की सलाह है 179 के लेवल्स पर और 200 का अगर लेवल मिले तो वहाँ पर मुनाफा बुक कर सकते हैं, ऐसा सलाह है यहाँ पर रुचित की। पुणे चलते हैं, सतीश ने हमें कॉल किया है। सतीश गुड आफ्टरनून, पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम, एक्चुअली मेरे पास मार्सन फार्मा है जो 500 क्वांटिटी। ओके, तो मैम मुझे 2 साल के लिए होल्ड करना है तो मुझे कितना टारगेट मिलेगा और होल्ड रखे क्या नहीं वो मुझे बताना था। चलिए ठीक है, आपको बता देते हैं। रुचित हैं हमारे साथ। रुचित, इन्होंने खरीदारी की है मार्सन फार्मा पे, 40 रुपए पर खरीदा है, 5 रुपए प्रति शेयर का भी मुनाफा हो रहा है, लेकिन 2 साल का इनका व्यू है, क्या ये स्टॉक में बने रहना सही होगा? फेब्रुवरी महीने के पहले जो करेक्शन आया था स्टॉक में उसके बाद कंप्लीट कंसोलिडेशन फेज हम ये स्टॉक में देख रहे हैं। फार्मा सेक्टर ने काफ़ी लंबे समय के बाद एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शुरू हुआ है लेकिन उसमें ये स्टॉक अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अंडर परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि ये स्टॉक से एक बार निकल के कहीं और स्विच कर लेना चाहिए। हो सकता है ये स्टॉक में 2 साल के नज़रिए से 54-55 तक के स्तर दिखे, बट फार्मा सेक्टर में दूसरे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हमें लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर निवेश करें अगर आने वाले 1-2 साल के नज़रिए से तो अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि मार्सन से एग्जिट करें और यही पूंजी ग्रेन्यूल्स में निवेश करें तो बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो मार्सन फार्मा में से एग्जिट करने की राय होगी। अगले दर्शक गुजरात आनंद से जुड़े हैं हमारे साथ। सईद मोइन जी ने कॉल किया हमें। नमस्कार सर, पूछिए कहाँ पर निवेश है आपका? गुड आफ्टरनून सैयद, आपको आवाज आ रही है?
ओके, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, आप और समय दे सकते हैं स्टॉक को? जी मैम। ओके रचित, SBI पर क्या सजेस्ट करेंगे? काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने खरीदा है, अच्छा मुनाफा इनको हो रहा है, आगे के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बने रहने की राय देंगे या प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे? नहीं, अभी भी बने रहे। एक तो इनकी जो खरीद की भाव है, ये रिसेंट करेक्शन में भी हमने नहीं देखे थे, तो उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और विद इन द PSU बैंक देखे तो जब PSU बैंक करेक्ट हो रहे थे तो SBI कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्गर था, और जब अपमूव आ रहा है तो वहाँ पर लीडरशिप ले रहा है। तो आई थिंक एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ये स्टॉक में पॉजिटिव है। ऊपर का क्वाइट पॉसिबल है 340-350 तक के स्तर आने वाले 4 से 5 महीने में ये स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल इनको ये स्टॉक का कोई में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, SBI को ही होल्ड करें। चलिए ठीक है, SBI को होल्ड करके रखिए, अच्छा स्टॉक है आपके पास और काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है। एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं हमारे पास, इनफैक्ट हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर रविंद्र सुधाकर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO रिलायंस होम फाइनेंस के। नतीजों के बाद बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका, और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले नतीजों के लिए कंग्रेचुलेट आपको करना चाहेंगे, स्टेलर यहाँ पर नतीजे देखने को मिले मुनाफे फ्रंट पर, तो एक डबल आपको मिला है यहाँ पर, रिटर्न 41 करोड़ तक के आसपास के मुनाफा फिगर रहा है। आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बार के स्टेलर परफॉर्मेंस के पीछे के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे वो क्या थे, और स्पेशली एसेट क्वालिटी पर अभी आउटलुक क्या है? देखो, अगर आप पहले तो गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर आवर रिजल्ट्स। ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे तो हमारा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इट हैज ग्रोन एट द रेट ऑफ 52% टू अ लेवल ऑफ 14,000 crores प्लस। Okay. हमारा जो टोटल इनकम है ये भी बढ़ा है तकरीबन 52% से, और यही ग्रोथ रेट हम पीछे भी देते आ रहे हैं फॉर द लास्ट 3 इयर्स। हमारा CAGR तकरीबन 50% के ऊपर रह चुका है, और आगे जाते भी यही ग्रोथ रेट आप देख सकोगे। देर आर टू रीजंस फॉर इट। एक तो हमारी जो कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर फोकस है जी। अगर ये सेक्टर को अगर आप देखोगे तो ये आज की डेट में 30% के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, और आगे जाके भी यही, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एंड हाउसिंग फॉर ऑल से जो बेनिफिट मिलता है, तो ये सेक्टर तकरीबन 32% से ग्रो करेगा। Correct. और हमारी कंपनी भी जो है वो इसी में ग्रो करना चाहेगी। वन ऑफ द की रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इज रिडक्शन इन द कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अगर आप लास्ट ईयर अगर देखोगे और ये क्वार्टर अगर कंपेयर करोगे तो हमारा जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो तकरीबन 13% से नीचे आया हुआ है, तो वो काफी दैट्स अ कंसीडरेबल डिक्रीज। और दूसरा अगर आप देखोगे तो हमारे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये तकरीबन 3.9% है, जो पिछले साल 3.5% थे, तो उसमें भी तकरीबन 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर रहेगा, तो आगे जाके जो हमारा इंटरनल जो कंफर्ट लेवल है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, वो तकरीबन 3.5% के आसपास ही रहेगा। दूसरा, ये जो बहुत पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो GNPA नंबर जो हमारे लास्ट ईयर 1.2% थे उसको घटाकर हम 0.8% लेके आ गए हैं, और तकरीबन अगर लास्ट 3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन हमने स्टेबिलाइज कर दिया है एट द रेट ऑफ 0.8%। जबकि इंटरनल टारगेट अगर आप रिलायंस होम फाइनेंस का देखोगे तो वी आर ड्राइविंग एनीवेयर बिटवीन 0.65% टू 0.8%। ये बहुत ही अच्छा नंबर है अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे। एब्सोल्युटली सर, पूजा देसाई एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपने बात की कि आगे चलकर जो आपकी कमेंट्रीज भी है वो भी आगे चलकर काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग से काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको, बट इस स्पेस में अगर देखे तो कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आगे चल के? कौन से ऐसे स्पेसिफिक टिकट साइज है होम लोन की, और कौन से ऐसे स्पेसिफिक ज्योग्राफीज है जहां पर आप फोकस करेंगे? श्योर, देखो अगर आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 60% जो हमारा बिजनेस है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से आ रहा है, तकरीबन 20% नॉर्थ से आएगा, 5% ईस्ट से आ रहा है, और 15% साउथ से आ रहा है। दिस इज द करंट स्प्रेड ऑफ द बिजनेस दैट वी हैव। अगर आप देखोगे जो रिलायंस होम फाइनेंस है, और जैसे अगर आप मार्केट में देखोगे तो आज इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो मॉर्गेज एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ये जो रेशियो है ये तकरीबन 9.5 to 9.6% के आसपास है, विच इज वन ऑफ द लीस्ट अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज।
तो आगे जाके अगर आप हाउसिंग फाइनेंस का स्कोप अगर इंडिया में देखोगे तो काफी ज्यादा है। तो ये जो 9.5-9.6% है, ये आगे जाके 10% के ऊपर श्योरली क्रॉस करके जाएगा। तो एक तो इंडस्ट्री बढ़ रही है और उसमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो है वो 30% के ऊपर बढ़ रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे तो रिलायंस होम फाइनेंस में वी हैव ऑलवेज फोकस ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, और जो हमारी आज की डेट में जो वॉट एवर लेंडिंग वी आर डूइंग इन होम फाइनेंस, मोर देन 70-75% ऑफ द लेंडिंग इज इन द अफोर्डेबल होम फाइनेंस कैटेगरी। और ये अगर आप देखोगे तो बहुत विशिष्ट है, बहुत स्पेसिफिक है रिलायंस होम फाइनेंस के बारे में। और आगे जाके भी हम ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है उसी के ऊपर ही फोकस करेंगे और ज्यादातर धंधा इसी कैटेगरी से आएगा। सर थैंक्स टू फॉर ज्वाइनिंग अस और अपने नतीजों पर डिटेल में बात करने के लिए। और नतीजों के आने के बाद देखिए साक्षी, काफी अच्छे नंबर्स और 2% की तेजी के साथ इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट्स के नतीजे आए हैं, यहाँ पर रेवेन्यूज फ्रंट पर 12 करोड़ तक के रेवेन्यूज कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। और आप देख पाएंगे कि एक थोड़ा सा अप मूव अप एस्कॉर्ट्स के शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आप देखिए मुनाफा फ्रंट पर 77.6 करोड़ तक के मुनाफा क्लॉक इन किया है कंपनी ने, और जो कि पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट है। आधे परसेंट तक की बढ़त के साथ अभी एस्कॉर्ट 775 के लेवल्स पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि दोनों ही फ्रंट्स पर, टॉप लाइन और बॉटम लाइन फ्रंट पर, पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट है। अजंता फार्मा भी शेयर को आप देखिए, यहां पर भी एकाएक स्पाइक आया है और ये भी नतीजों के बाद ही स्पाइक आते हुए नजर आया है। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए दिन के उच्चतम स्तरों पर अब 0.1% तक की मजबूती के साथ 1244 के लेवल्स पर अभी अजंता फार्मा काम कर रहा है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रंट पर 5% तक की बढ़त देखने को मिली है, 540 करोड़ तक के आसपास का यहां पर रेवेन्यू रहा है। और प्रॉफिट फ्रंट पर भी अगर आप देखेंगे तो 131 करोड़ तक का यहां पर फिगर देखने को मिल रहा है। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाते हैं, खासतौर पर एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ जो कि 17 नवंबर को बाजार में लिस्ट होगा। इसका आईपीओ बाजार में अगले हफ्ते आ रहा है। एचडीएफसी ग्रुप के वाइस चेयरमैन केकी मिस्त्री का कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी अपार संभावनाएं हैं। और केकी मिस्त्री से खास बातचीत की सी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एचडीएफसी ग्रुप के सीईओ और वाइस चेयरमैन केकी मिस्त्री। सर सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरह से मार्केट के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर है बिल्कुल नया सेक्टर है और कई सारी कंपनियों की लगातार लिस्टिंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो सही में सेक्टर के अंदर इतनी संभावना है, जिस तरह के जो वैल्यूएशन है कंपनियां कर रही है उसके साथ? देखिए वैल्यूएशन के लिए वी कंसल्टेड लॉट्स ऑफ पीपल, वी कंसल्टेड एनालिस्ट, वी कंसल्टेड बैंकर्स, वी डिड मैचिंग ऑफ our valuation vis-a-vis others after taking into account the differences in embedded value, the differences in profit margins, and then arrive at a valuation. I think market mein depth bahut hai, there is a lot of liquidity in the market, and that liquidity is what is helping the stock markets. Sir, toh ye jo liquidity ki baat ho rahi hai, toh kya iska badi wajah ye keh sakte hain hum ki demonetization ke baad se jo logo ke paas aur koi asset class nahi hai paisa lagane ke liye, kyunki gold mein koi return nahi mil raha hai, real estate mein nahi hai, fixed deposit mein return nahi hai, to जो भी लोगों के पास सेविंग है तो एक ही जरिया है मार्केट में लगाने का, तो उन देखते हुए कंपनियों के पास भी बेहतर मौके? आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज हाई, मनी इज कमिंग इनटू स्टॉक मार्केट्स लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट है जो एक तो डिमोनेटाइजेशन के बाद में घर में यू नो वॉट एवर मनी यू हैड एट होम पीपल वेंट एंड पुट दैट मनी इनटू बैंक अकाउंट्स, नाउ इन बैंक अकाउंट्स इज अर्निंग देम 3-3.5-4% रिटर्न, सो पीपल आर लुकिंग एट हाउ दे कैन इंक्रीज देयर रिटर्न। Gold is not a great investment. Real estate is there, but real estate is more something which the end user buys. Not so much an investor, it's more an end user. So historically, people used to put money in fixed income instruments, people used to put money in deposits. Abhi interest rates itne kam ho gaye ke deposits and fixed income instruments are not providing that return. So therefore, a lot of that money is coming into equity markets, and touch wood, so far, equity markets have been delivering a good return. तो ये थे केके मिस्त्री जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, यूपी से शुभम जी जुड़े हमारे साथ। शुभम गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा मिड कैप स्टॉक जो 20 से 30 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता, मेरे पास लॉन्ग टाइम है मेरे लिए होल्ड करने के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आपको राय दिलवा देते हैं। रुचित, कोई अच्छा मिड कैप पिक आपकी तरफ से जहां पर अगले कुछ समय में एक मल्टी बैगर हो सकता है, ये लंबे समय के निवेशक हैं, 20 से 30 साल का इन्वेस्टमेंट व्यू है इनका, आपके राय में कोई अच्छा मिड कैप पिक जो इनके लिए बेहतर हो?
दो स्टॉक्स मैं यहाँ रेकमेंड करना चाहूँगा मिड कैप स्पेस में से, एक तो है ग्रेन्यूल्स इंडिया। ये स्टॉक के अगर मंथली चार्ट्स देखें, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा समय लिया है, तो मैं मंथली चार्ट्स पे फोकस करूँगा, जहाँ पे रिसेंटली एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक में हो चुका है, तो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक टाइम वाइज करेक्शन पूरा हो चुका है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक में फिर से बन सकते हैं। इवन वॉल्यूम्स फ्रंट पर अभी पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स ये स्टॉक में होने लगे हैं। और मेरा सेकेंड पिक रहेगा मास्टेक। करंट लेवल से देखें तो इवन मास्टेक में एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज हमने देखा है, तो मिड कैप स्पेस में से यहाँ से भी अगर पिछले 3-4 महीने की एक्टिविटी देखें तो ये स्टॉक में जब प्राइजेज ऊपर जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और जब करेक्शंस हो रहे हैं तो वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, तो ये यूजुअली एक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन फेज में जो जनरली होता है। तो आने वाले जो अगर इनका 10 साल 15 साल 20 साल का नज़रिया है, तो आई थिंक ये दोनों शेयर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए, बहुत ही स्ट्रांग रिटर्न्स दे सकते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया और मास्टेक, ये आपके रडार पर होना चाहिए लॉन्ग टर्म के व्यू से। रुचित की ये रिकमेंडेशन है, शुक्रिया रुचित आपका आज के इस खास एडिशन में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सभी सवालों पर जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत।